हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं भिंडी की सब्जी। तो एक बार ये आचारी भिंडी होटल वालों के तरीके से घर पे बना के देखें, आपके खाने का स्वाद दोगुना होने वाला है। तो चलिए बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो प्रोसेस पूरा देखिएगा। तो यहाँ मैंने लगभग 500 ग्राम तक फ्रेश हरी ताज़ी भिंडी ली है। इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और इसका पानी जो है उसको सुखा लेना है। अगर आप सुबह बना रहे हैं तो हो सके तो रात में इसको धुल के रख दीजिए, जिससे कि इसका जो पानी है वो सूख जाएगा। तो बिल्कुल अलग अलग खिली खिली सी सब्जी बनेगी। तो अब इसको कट कर लेते हैं और इसको इस तरह से कट करना है। तो यहाँ मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इस साइज में इसको कट करना है। तो आप भिंडी के साइज के हिसाब से उसको कट कर लीजिए। तो अब हम इसमें थोड़ा सा इस तरह से कट भी लगा देते हैं, जिससे कि जो हम मसाले ऐड करेंगे या नमक या मिर्च का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छे से ऐड हो जाए। क्योंकि जब हम भिंडी बनाते हैं तो नमक का फ्लेवर जल्दी इसके अंदर ऐड नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा कट लगा दीजिए, जिससे कि जो नमक का फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से ऐड हो जाए, तभी इसमें अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मैंने इस तरह से यहाँ भिंडी को कट किया है और यहाँ सारी भिंडी को इस तरह से कट कर लेंगे, इसी साइज में कट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ मैंने भिंडी कट कर ली है। अगर छोटे साइज की भिंडी है तो आप सिर्फ उसके आगे पीछे का जो हिस्सा है उसको अलग कर दीजिए, बाकी इसी साइज की रहने दीजिए। तो इस तरह से यहाँ ये देखिए मैंने ये भिंडी कट कर ली है। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में लगभग 3 से 4 चम्मच तक सरसों का ऑयल डाल के गर्म कर लेंगे। यहाँ भिंडी को फ्राई करना है। भिंडी को फ्राई करने के बाद बिल्कुल कम टाइम, बिल्कुल कम प्रोसेस है जिसमें सब्जी बन जाएगी। तो भिंडी को फ्राई करने के बाद बिल्कुल आसान है सब्जी बनाना। तो यहाँ हम भिंडी को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में पलट के रख देते हैं। इसको बीच बीच में चलाते जाइए, सिर्फ भिंडी को हल्का पका लेना है, जिससे कि जो आगे की प्रोसेस है वो आसान हो जाए। तो यहाँ हम ढक देते हैं और बीच बीच में इसको चलाते भी जाएंगे। तो यहाँ भिंडी पकाने की जो प्रोसेस है लगभग 3 से 4 मिनट की ही है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रख के भिंडी को पका लेना है। और ये देखिए यहाँ जो भिंडी है वो पक गई है, तो अब इसको निकाल लेते हैं। और अब मसाले तैयार करने के लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है और इसमें लगभग 2 चम्मच तक खड़ी धनिया ऐड कर देंगे, साथ ही 1 छोटा चम्मच यहाँ सौंफ ऐड कर देंगे, 1 छोटा चम्मच यहाँ जीरा ऐड कर देंगे और साथ ही यहाँ 1 छोटा चम्मच मेथी ऐड कर देंगे। इनको हल्का सा भून लेना है। जैसे ये भुन जाएंगे तो इनका महीन पाउडर बना लेना है। तो यहाँ ये देखिए मसाले जो हैं वो भुन गए हैं, तो इसको ठंडा करके हम पीस लेंगे। और अब हमने एक कढ़ाई लिया है और इसमें लगभग 2 या 3 चम्मच तक सरसों का ऑयल डाल के गर्म कर लेंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा तो यहाँ 1 छोटा चम्मच हींग ऐड कर देंगे, साथ ही यहाँ 1 छोटा चम्मच छोटी वाली राई ऐड कर देंगे और 2 बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। इनको हल्का सा पका लेंगे और यहीं अब बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इनको भी हल्का सा मिक्स करके पका लेंगे। और इनको मिक्स करने के बाद यहाँ हम 1 या 2 टमाटर की टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। और यहीं अब हम मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने जो मसाले पीस के रखे थे उसको लगभग 3 चम्मच तक ऐड कर देंगे, साथ ही हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और यहाँ मैंने 2 चम्मच तक दही ऐड कर दिया है और 1 चम्मच यहाँ अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और लगभग 1 मिनट के लिए पका लेंगे। मसालों को अच्छे से पका लेना है। वैसे तो हमने यहाँ भुने मसाले ऐड किए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इसको हल्का सा पकाना है, जिससे कि सारी चीज़ों के जो फ्लेवर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए जैसे ही मसाले इस तरह से पक जाएंगे तो अब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। तो बस अब लास्ट में इसमें भिंडी ऐड करना है और नमक स्वाद अनुसार ऐड करके बस इसको चलाते हुए और 1 मिनट के लिए पका लेना है। और ये हमारी आचारी भिंडी रेडी है। तो बिल्कुल होटल वालों के तरीके की भिंडी है। और अब इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड करके और इसको मिक्स करके अब आप रोटी चपाती पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अलग अलग से और बिल्कुल खिली खिली भिंडी की ये सब्जी बनी है और इसका जो स्वाद है बहुत ही मज़ेदार है। तो आप भी ट्राई कीजिए और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत ही सिंपल है लेकिन जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार है, जो कि आप सबको बहुत पसंद आने वाला है, आपके घर में भी बहुत पसंद आने वाला है। तो इतनी टेस्टी आचारी भिंडी आप घर पे बना सकते हैं, तो होटल जाने का इंतज़ार ही क्यों करना। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह एक नई चटपटी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।